आपने टॉन्सिल का नाम तो सुना ही होगा, वही टॉन्सिल जो हमारे ओरल कैविटी में होती है पिंक रंग की, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हमारे इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पर क्या आप इस टॉन्सिल के बारे में पूरी जानकारी रखते हो? क्या आपको ये पता है कि टॉन्सिल हमारे ओरल कैविटी के अंदर संख्या में कितनी पाई जाती है? क्या ये केवल दो होती है या और भी बहुत ज्यादा, और इसका काम क्या क्या होता है? अगर अब तक आप टॉन्सिल के बारे में जानकारी नहीं रखते थे तो बस ये वीडियो पूरा देख लो, यहाँ से आप बहुत कुछ जान के जाओगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना, ये मुझे इनकरेज करता है। तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, टॉन्सिल हमारे मुंह के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे चार सेट में पाई जाती है। जी हाँ, चार सेट, एक सेट में एक से अधिक टॉन्सिल भी हो सकती है। चलिए जानते हैं, टॉन्सिल का जो पहला सेट होता है उसे पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं, जो कि हमारे ओरल कैविटी के बिल्कुल पीछे वाले साइड में होता है। एक बार इमेज में आप ये देख लीजिए, ये संख्या में दो होते हैं दोनों साइड। आप चाहे तो अपने मुंह के अंदर अपने पैलेटाइन टॉन्सिल को देख सकते हैं। टॉन्सिल का जो दूसरा सेट होता है वो हमारे नेजल कैविटी के बिल्कुल पीछे वाले दीवार पर पाई जाती है, जिसे फेरिंजियल टॉन्सिल या एडेनोइड कहते हैं। ये छोटे बच्चों में 6 साल की उम्र तक तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जाती है ये बहुत ही छोटा सा होता जाता है। एडल्ट होने पर तो ये बिल्कुल नाम मात्र का रह जाता है, और अगर ग्रोइंग एज में यानी लगभग 10-12 साल में इसका आकार बढ़ जाता है तो बच्चों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होने लगती है। इससे बच्चों के चेहरे का शेप भी बिगड़ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। ये संख्या में केवल एक होता है। टॉन्सिल का जो तीसरा सेट होता है वो होता है लिंगुअल टॉन्सिल, जो कि हमारे जीभ के बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर पाया जाता है। इस इमेज में देखिए इसका लोकेशन, ये भी संख्या में केवल एक ही होता है। टॉन्सिल का जो चौथा सेट होता है वो बिल्कुल हमारे कान के अंदर, यहाँ यूस्टेशियन ट्यूब का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये टॉन्सिल पाए जाते हैं। इसे ट्यूबल टॉन्सिल कहा जाता है। एक बार यहाँ से देखिए, जब हम अपने नाक की कैविटी को देखेंगे तो यहाँ पर ठीक यहाँ जहाँ मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब का ओपनिंग होता है, वहीं पर होता है ये ट्यूबल टॉन्सिल। ये संख्या में दो होते हैं दोनों कान को मिलाकर। तो अब आप ये जान गए होंगे कि हमारे ओरल और नेजल कैविटी में कुल मिलाकर चार सेट टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, हमारे ओरल और नेजल कैविटी में जो टॉन्सिल पाए जाते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यू से बने होते हैं, वही लिम्फेटिक टिश्यू जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए इम्यून सेल्स को मैच्योर या उनका निर्माण करते हैं। देखिए, जब भी हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस एयर में वायरस, बैक्टीरिया और भी कई तरीके के जहरीले तत्व तो होते ही हैं। होता यह है कि जैसे ही हमारे नाक में एयर जाती है वो इस फेरिंजियल टॉन्सिल से टकराती है, जिसकी वजह से एयर में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया इससे टकरा कर वहीं पर मर जाते हैं और हमें एक साफ सुथरी हवा हमारे फेफड़े को मिलती है। और जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे फूड में भी कई सारी बैक्टीरिया और वायरस तो होते ही हैं। उनको फिल्टर करने के लिए हमारे मुंह में दो सेट टॉन्सिल्स होते हैं, जो इन बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर करके हमारे स्टमक में पहुंचाते हैं। तो ये है इनका मेन काम। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स का मैच्योरेशन भी होता है। इनमें मुख्यतः हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, और जरूरत पड़ने पर अडैप्टिव इम्यूनिटी के बी सेल्स का मैच्योरेशन भी इन्हीं टॉन्सिल्स में होता है, जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। क्या इतने छोटे से वीडियो में मैं आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, ये बात मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।